नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में बढ़ते हुए अपराध या भ्रष्टाचार या फिर अपहरण, चाहे मामला कोई भी हो, आरजेडी की तरफ से लगातार नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। यही नहीं, तेजस्वी यादव लगातार अपने ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया के जरिए तरह तरह के पोस्ट करके वो नीतीश कुमार को घेरते नजर आते हैं। अब इस बार जो आरजेडी ने ट्वीट किया है, उसने ना सिर्फ नीतीश कुमार को घेरा है बल्कि बिहार की मीडिया को भी लेकर उन्होंने हमला बोला है। दरअसल उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार की एडिटिंग की वजह से मीडिया भी अब साष्टांग उनके समक्ष हो चुकी है और बिहार की जनता अब उस पर भरोसा नहीं करें तो बेहतर है। इसके साथ साथ उन्होंने यूपी का हवाला देते हुए, वहां का एग्जाम्पल लेते हुए ये कहा है कि भले ही वहां पर तानाशाही चलती हो, लेकिन फिर भी वहां के जो पत्रकार हैं वो तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे मुद्दा हो हथरस जो अभी गैंग रेप हुआ था वो मामला हो या फिर अन्य कोई भी आपराधिक घटनाएं, पत्रकार उसका जिक्र करते हैं भले ही उन पर जानलेवा हमला क्यों ना हो। लेकिन इस बार उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार को तो घेरा ही है और साथ ही साथ बिहार की मीडिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था और नीतीश कुमार को महासंपादक की संज्ञा दे दी थी, वो इसलिए क्योंकि उनका भी यही कहना था कि जिस तरीके से बिहार में वो चाहते हैं कि अखबारों में आपराधिक घटनाओं का जिक्र ना हो, उनकी तमाम कोशिशों के बाद वो बहुत सारी धमकियां भी देते हैं, लेकिन फिर भी बिहार में अपराध का ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा है कि मीडिया कर्मियों को इस तरह की खबरें छापनी ही पड़ती है। इसके साथ साथ आरजेडी ने आज ट्वीट करके क्या लिखा है, सबसे पहले वो देखिए। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार लाख तानाशाही सही पर वहां के पत्रकार लाख झूठे केस और जानलेवा हमले झेलकर भी हैशटैग हथरस केस इत्यादि में सरकार के चरित्र को नंगा करने में कामयाब रहते हैं। बिहार में @ नीतीश कुमार की एडिटिंग ने मीडिया को ऐसा साष्टांग कर दिया है जिनसे अब जनता उम्मीद ना रखे तो बेहतर है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की एडिटिंग की वजह से बिहार की जो मीडिया है वो पूरी तरीके से साष्टांग हो चुकी है और ऐसे में बिहार की जनता उन पर विश्वास ना ही करे तो बेहतर है। आपको बता दें कि लगातार आरजेडी की तरफ से आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए ये शेयर किया जाता है कि किस तरीके से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बिहार में अपराध का बोलबाला नजर आता है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि जब भी चाहे हम बात करें तेजस्वी यादव की या फिर आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की, तो आप आराम से इस बात को देख सकते हैं कि किस तरीके से जब आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया जाता है तो उसमें अखबार के कतरनों का इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ तमाम तरीके की जो वेबसाइट्स हैं उनके न्यूज़ को पब्लिश किया जाता है और दिखाया जाता है कि देखिए ये सारे एग्जाम्पल हैं किस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएँ जो हैं वो लगातार घटती नजर आ रही है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर तेजस्वी यादव को या फिर आरजेडी को ये बात कहाँ से पता चलती है कि वहाँ एडिटिंग की जा रही है या फिर नीतीश कुमार पत्रकारों को धमकियां दे रहे हैं। ये सवाल भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि जब बात खुद पर आती है तो वो मीडिया का ही इस्तेमाल कर कई सारे अखबारों का कतरन पेश कर जनता को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए बिहार में किस तरीके से अपराध बढ़ रहा है। फिलहाल ये सारी बातें तो अलग है, लेकिन इन सब के बीच आरजेडी ने बिहार की मीडिया और साथ ही साथ नीतीश कुमार को एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।